हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मतलब स्ट्रक्चरल वर्क्स में ड्राइंग कैसे स्टडी करने का है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह जा रहे हैं तो क्या आपको पूछने वाला है, कैसे आप ड्राइंग को रीड करेंगे, फर्स्ट क्या चेक करने का है और क्या नहीं चेक करने का है, क्या देखने का है क्या नहीं देखने का, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करेंगे गाइस। आज मैं आपको मैकेनिकल ड्राइंग, ये जो स्ट्रक्चर का सैंपल ड्राइंग है, ये सैंपल ड्राइंग आपको कैसे स्टडी करने का है। इसके बाद मैं आपको और बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा वाला डिफिकल्ट वाला ड्राइंग मैं आपको एक एक दिखाने वाला हूँ। पहले इस वीडियो को चेक करने के पहले इस वीडियो में ये ड्राइंग चेक करने के लिए, कभी भी आप ड्राइंग चेक करने वाले हैं, फर्स्ट आपको देखने पड़ता है प्लेट्स और एंगल्स और सेक्शंस जो भी है, कौन सा वाला है और क्या चेक करने का और क्या क्वांटिटी दिया गया है और इसका वेट वगैरह कितना है। तो आप इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल क्या क्या यूज करके ये वाला जॉब बनाने का है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये पार्ट नंबर दिया है। पार्ट नंबर का मतलब है आइटम का पार्ट नंबर। एक एक प्लेट जब भी कट करेंगे कुछ भी, देखो एग्जाम्पल ये प्लेट कट किया है, अगर ये प्लेट का कट किया तो इसका एक पार्ट नंबर रहता है। मतलब ये प्लेट किधर भी डाल दो तो आप उस पार्ट नंबर उसके ऊपर पंच मारे होंगे तो वो पार्ट नंबर के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। इसका पार्ट नंबर दिया है इधर P776, आप इसमें मेटेरियल में देख सकते हैं पार्ट नंबर P776 ये वाला प्लेट है। तो पहले देखते हैं आप M616 जो है सेक्शन है। सेक्शन का मतलब बीम। बीम हो गया आपका यू बीम हो गया 203/133×25। इसका मतलब हो गया ए हो गया 203, बीम का हाइट ये आप इधर देख सकते हैं, बीम का हाइट हो गया 203 और इसका विड्थ हो गया 133 वाला ए वाला यू बीम है। यू बीम मतलब यूनिवर्सल बीम है। यू बीम का हाइट ये हो गया, विड्थ हो गया 133 और 25 केजी। कभी भी आपको डाउट आएगा 25 केजी का मतलब है सेक्शन का वेट, मतलब ये बीम जो भी है एक मीटर पे 25 केजी का इसका वजन रहता है, उसके लिए वो लास्ट वाला 25 दिया जाता है। हर इसमें ऐसे देगा, आप चाहे तो बीम्स वगैरह ड्राइंग्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वांटिटी है नंबर्स। नंबर्स इधर दिया गया है, नंबर्स का मतलब क्वांटिटी है। ये 1, 2, 3 मतलब ये कितना पीस आपको कट करने का है और फिक्स करने के लिए कितना पीस यूज होता है। तो इधर दिया है 1 क्वांटिटी और इसका इधर हो गया ग्रेड। ग्रेड का मतलब मटेरियल, कौन सा वाला मटेरियल है। हर एक मटेरियल का एक एक ग्रेड रहता है, जैसे स्टेनलेस स्टील है कुछ भी है तो भी एक एक इसको एक एक ग्रेड रहता है। ग्रेड के हिसाब से उस मटेरियल का वैल्यू और मटेरियल का यूज पता चलता है। ये हो गया आपका ग्रेड। नेक्स्ट इसका लेंथ, मतलब अभी जो भी बीम आप लेने वाले हैं उसका लेंथ काटने का है 2989। इधर वो आपका लेंथ दिया गया था, इसका मतलब ऐसे वाला यू बीम लेने का है आपको 2989 का लेंथ काटने का है। कभी भी आप कटिंग करने वाले हैं तो 1-2 mm प्लस रखने का है, क्योंकि गैस कटिंग में ग्राइंडिंग में 1-2 mm माइनस हो जाता है तो आपका एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगा। अगर कभी भी पीस होगा आपको 2 mm प्लस भी चलेगा, 2 mm माइनस चलेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आप ये लेंथ पे 2 mm प्लस रख के काटेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेंथ पे आपका मटेरियल जॉब रेडी रहेगा। और इसका वेट, आइटम वेट मतलब एक पीस का वेट जब भी है इसका 72 kg है। 2.9 मतलब लगभग 3 meter का है। मैं आपको बोला हूँ 1 meter 25 kg तक हो सकता है, तो 25 kg 1 meter का होगा तो अभी हम लोग काटने के अंदाज से 3 meter है तो हो गया 75 kg का होने का है 3 meter होगा तो। मगर 2989 है जो 20 mm कम हुआ है 10 mm कुछ, तो उसके लिए आपको उधर 3 kg माइनस हो गया तो एक पीस का वेट हो गया 72.40। और टोटल वेट हो गया मतलब इधर एक ही क्वांटिटी है इसलिए सेम वेट आ गया, अगर दो क्वांटिटी होगा तो आपको डबल वेट दिखाएगा। नेक्स्ट है P355 मतलब एंगल है। ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाला एंगल का साइज 75/75 10 mm थिकनेस वाला है। ये लेंथ होता है, विड्थ होता है। एंगल, एंगल का मतलब ये जो दिखा है जॉब में ये देख सकते हैं, इसको एल शेप वाले को एंगल बोलते हैं फैब्रिकेशन में। ये आपका 10 mm का थिकनेस है, ये आप देख सकते हैं उसमें एंगल में लिखा है 75/75 10 mm थिकनेस। 10 mm थिकनेस होता है उसका मोटापा कितना है, 10 mm का थिकनेस है। लेंथ वेड्थ वगैरह 25/25 का है। ये हम लोग को काटने का है 140 mm। इसका डायमेंशंस कभी भी मैकेनिकल में एमएम में लेते हैं, सिविल में होगा तो इंचेस में लेते हैं, तो आप कभी भी एमएम में लिखने का है। तो ये हो गया 140 mm का एंगल का लेंथ काटने का है और क्वांटिटी लिखा है 2। उसका वेट हो गया एक पीस का 1.52 और दो पीस का हो गया आपका 3 kg। तो दूसरा है प्लेट्स काटने का है, एक 16 mm का, एक 10 mm का, एक 5 mm का। एक कभी भी प्लेट के सामने वाला थिकनेस रहता है
5 mm 10 mm, और लेंथ वेट वगैरह, तो एक लेंथ होता है 857 और विड्थ हो गया 362, क्वांटिटी एक चाहिए। और ये देखो 776 वाला प्लेट आपको मैं दिखाऊंगा, इधर है 776 वाला प्लेट, और ये लेंथ हो गया 857 और विड्थ हो गया 362, मतलब इतना लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। और इस प्लेट के बारे में डायमेंशन कैसे मार्क करने के प्लेट के ऊपर मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखाएगा, कितना लेंथ लेके कैसे मार्क करने के होल वगैरह, और होल का साइज़ वगैरह इधर लिखा हुआ है देखो 22 mm का होल है, दो पीस है इधर और दो पीस इधर हो गया, तो लगभग दो पीस का इधर दिया है, दो पीस का इधर दिया है, तो 22 mm का होल आ रहा है दो पीस, तो उसके हिसाब से आपका बोल्ट आएगा 20 mm का। कभी भी होल साइज से भी 2 mm कम रहता है बोल्ट का साइज। ओके दोस्तों, और इधर लिया है बीम एंगल और तीन प्लेट, ये दूसरा प्लेट है 10 mm का, छोटा स्टिफनर प्लेट है, आप ये देख सकते हैं 789 वाला, आप इधर देख सकते हैं P789, ये छोटा वाला प्लेट है, जो अब बड़ा प्लेट प्लेट जो है ना बीम को इधर लग रहा है उसका सपोर्ट में एक प्लेट छोटा वाला लग रहा है जो बीम को, और इसका लंबा चौड़ा हो गया 76 mm 79 mm, बहुत छोटा प्लेट है 76 पे 79 mm वाला, और ये प्लेट आपको इधर कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद आपका आ गया 5 mm स्ट्रिप है, 5 mm वाला पट्टी काटने का, 10 mm का चौड़ाई और लंबा हो गया 857 वाला, ये प्लेट एक पीस काटने का है, और ये 5 mm का प्लेट जो है इधर देख सकते हैं आप, इधर आपको बार मार्क नंबर, ये नंबर पंच दिया है 792, ये 792, आप इसको एरो मार्क ऐसे देखेंगे तो ये वाला प्लेट का और ये वाला प्लेट का बीच में आपको एक पट्टी लग रहा है, वो पट्टी क्यों लग रहा है और उसकी ज़रूरत क्या है मैं आपको बताएगा नेक्स्ट। अभी आप बीम साइज काट रहे हैं, बीम को मार्किंग कर दिए हैं, प्लेट काट दिए हैं और राइट एंगल का बीम खट गया, इसके बाद आपको क्या क्या करने का है बीम के अंदर जाओ, तो बीम के अंदर आप देख सकते हैं इधर एक छोटा पीस नॉच कट हो गया है इधर साइड और इधर साइड, और इसको दो दो होल आ रहा है, दो इधर दो इधर। ओके, पहले आप इस नॉच कट का लेंथ चाहिए तो आप देख सकते हैं इधर से 82 mm, कभी भी क्या है ना एक कॉर्नर पे लाइन ऐसे चेक करने का है, और इधर जब मार्क एरो मार्क जैसे ऐसे सिंबल देगा तो वो वाला लेंथ को आप यूज़ करने के, आप ये नहीं करने के 32 mm करके इधर 32 mm कटिंग नहीं कर देने का, आपका मार्किंग इधर तक है वो है 82 mm, तो आप इधर से 82 mm मार्क करेंगे, और इसका जो हाइट है 22 mm, आप इधर देख सकते हैं 22 mm का मतलब ये आपका ये पट्टी ऐसे निकल जाएगा, और ये कॉर्नर पे कभी भी रेडियस रखने का है, क्योंकि अगर रेडियस नहीं रखेंगे आपका गैस कटिंग है वैसे लाइन थोड़ा ज़्यादा कट सकता है, तो उसके बाद बीम फ्यूचर में क्रैक होएगा बोल के बोलने वाले हैं इंस्पेक्शन, कोई भी इंस्पेक्टर आएगा, तो इसलिए क्या करने के आप जो भी कट करेंगे उधर वेल्डिंग से ड्रॉप करने का, और ये 10 mm रेडियस करने का, अगर कटिंग में आप प्रॉपर है तो 10 mm का रेडियस कट कर देंगे और उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग कर देंगे, तो आपका इंस्पेक्टर आपको जॉब इसको देख के ही सेटिस्फाई हो जाएगा, कभी भी ये 10 mm रेडियस को भूलने का नहीं। और ए वी नॉच कटिंग दोनों साइड करने का, इधर देखो 83 mm दिया है, 1 mm का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, और कभी भी इंस्पेक्शन में आएगा आपको 1 mm 2 mm तक इसको उतना केयर नहीं करेगा, मगर जितना होगा उतना 0-0 करने के लिए ट्राई कर लीजिए, और ये 2 mm का हाइट है इसको काट देंगे। और उसके बाद ये देखिए होल मार्किंग करने के, हम लोग अभी ये बीम से इधर तक 38 mm का एक लाइन मार देंगे, राइट एंगल इधर से ऐसे रख के एक लाइन मार देंगे, उसके बाद इधर से देखिए ऊपर का पोजीशन से दिया है, कभी भी ऊपर से ही देता है क्योंकि जब जॉब फिक्स होएगा असेंबलिंग में तो ऊपर से ही बोल्टिंग होता है, और फ्लोर पूरा लेवल चाहिए तो ये लेवल के हिसाब से आप बोल्ट करेंगे तो ये बीम उसका आगे आने वाला बीम लेवल पे रहेगा, इसलिए इधर से आपको 60 mm पे ए होल मार्क करने के, उसके बाद और एक होल इधर से इधर 80 mm पे मार्क करने का है। और ये देख रहे हैं आप ये नॉर्मल सर्किल होल नहीं है, इसको स्लॉट होल बोलते हैं, स्लॉट होल का देखिए 22 mm का स्लॉट, मतलब ये जो चौड़ा है 22 mm है और इसका लेंथ जो है 36 mm है, इसका मतलब 24 का दो होल मार के आपको ये स्लॉट होल बनाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर लेंगे 36 mm, मतलब इसमें 11 mm माइनस करके एक सर्किल मार्क कर लेंगे, और वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दूसरा सर्किल मार्क करके दो ड्रिल करने के और इसको कटिंग सेट से काट देने के, ये चाहे तो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियरली बताएगा, अब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इधर आप देख सकते हैं ड्राइंग में एक एरो दिया है, इसका नाम इसका होता है नंबर पंच, नंबर पंच मतलब जो भी आप जॉब बनाने वाले हैं जो फैब्रिकेशन में एरेक्शन में जाएगा तो आपको इस सिंबल के ऊपर मतलब इधर आप पंच करने का एक नंबर, ये नंबर पंच के ऊपर से ही उसके हिसाब से ये जॉब फैब्रिकेशन में एरेक्शन के इधर होएगा आपको पता चलेगा। तो अभी आप इधर नंबर पंच मारेंगे, जो फैब्रिकेटर या सुपरवाइजर या इंजीनियर जो भी आपको देगा बोलेगा ए वाला नंबर पंच मार्क इधर मार लीजिए, ड्राइंग के हिसाब से जो प्रोजेक्ट के हिसाब से रहता है, तो वो नंबर पंच आप इधर टाइप करना मारना पड़ता है, जैसे इधर इधर आपको इधर नंबर पंच मारना पड़ता है, वो आपको पेंटिंग ब्लास्टिंग के बाद क्लियरली एरेक्शन के लिए काम आएगा, और इसको प्रॉपर होने मारने के अगर गलती हो जाएगा तो असेंबली में बहुत प्रॉब्लम होएगा। दूसरा
ये देख लीजिए, अभी प्लेट आप बीम काट दिए हैं, बीम काटने के बाद इधर आप बीम आपको कटा हुआ था होल वगैरह डाल दिए, इधर आपको एंगल्स फिक्स करने के दो एंगल है। ये एंगल आप इधर देख सकते हैं, थ्री साइड आफ्टर बोल्टेड, मतलब थ्री साइड 6 mm का वेल्डिंग करने का है, मगर अभी नहीं, आफ्टर बोल्टेड मतलब एरेक्शन के बाद, एरेक्शन में जब ये फिक्स हो जाएगा और ये एंगल आपको दूसरे सेक्शन पे लग जाएगा तभी आपको वेल्ड करने का, अभी नहीं करने का। ऐसे ये 8 जो दिया है, 8 mm वेल्डिंग फॉर थ्री साइड, ये दिया है दूसरा डायरेक्शन, मतलब ये एंगल जो कि दूसरा बीम पे फिक्स हो जाएगा ना, तो वो दूसरा पोजीशन मतलब ये पोजीशन वाला वेल्डिंग पूरा 8 mm करना पड़ता है और ये बीम को जो वेल्डिंग होएगा वो 6 mm करना पड़ता है, इसलिए इधर 6 दिया है और इधर 8 दिया है। और ये एंगल का मार्किंग आपको इधर ऑलरेडी दिया है, एंगल का मार्किंग, एंगल कितने पे मार्क करने के, कितना होल डालने के, ये भी मैं अगले वीडियो में आपको क्लियरली बताएगा, ये होल मार्किंग्स वगैरह एंगल का, प्लेट का, ये सब कुछ मैं अभी फिक्सिंग असेंबल करने के लिए कैसे करने के दिखाऊंगा। और ये देख लीजिए, बीम पे आप इधर से 1145 पे ये वाला होल मैच करना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये प्लेट आप ऑलरेडी हम लोग मार्क कर रहे थे तो 78 mm वाला, तो 78 mm का जो होल लाइन रहता है ना, ये लाइन लेके आके आप बीम पे 1145 का जो एक लाइन सीधा इधर, एक आपको 1145 का इधर से 1145 का एक लाइन आप बीम के ऊपर ऐसे मार लेंगे, और 78 mm जो प्लेट का मार्किंग रहता है ना वो पॉइंट लेके आके दो भी इधर रख के इधर आपको खड़ा करने का है। और इधर से आपको कितना लेंथ चाहिए वो आपको इधर देख लीजिए, 100 mm दिया है बीम के बाहर से प्लेट के बाहर तक, तो अभी आप क्या करने गए, बीम पे ऊपर मार्किंग कर लेंगे, बाहर से इधर 100 mm का एक पूरा लाइन ले लेंगे, वो लाइन पे प्लेट खड़ा करेंगे और राइट एंगल पे प्लेट को रखेंगे और टैग कर देंगे, इधर 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 चार से टैग कर देंगे, तो आपका ये प्लेट फिक्स हो गया। और ये पहले वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ वाला होल तो ऑटोमेटिकली आप जब प्लेट पे मार्किंग किए थे उसके हिसाब से वो प्लेट होल मार्किंग एग्जैक्ट रहता है। अगर आओ दूसरा होल एक चेक करने का, तो आप ये देखने का हाइट पे देखने का है, 144 दिया गया है बीम के सेंटर से पहले वाले होल पे, तो बीम का थिकनेस होगा 6 mm अप्रोक्सीमेटली, तो 3 mm माइनस करेंगे तो 141, तो बीम के ऊपर से आप इधर से टेप रख के इधर चेक कर लेंगे तो 141 mm रहेगा, तो ये प्लेट आपका इंस्पेक्शन क्लियर हो जाएगा जब उसके हिसाब से आप लगा देंगे तो। और ये देख लीजिए, प्लेट पे इधर 14 mm दिया गया था, वो है बेवल, बेवल मतलब वी मार्किंग करके, वी कट करने का है, वी कट करने के लिए ही ये देख सकते हैं आप, इधर वी कट किया हुआ प्लेट इधर आपको फिक्स किया गया था, तो एक साइड जो 14 mm दिया था वो 14 mm इधर से इधर तक 14 mm का है और वी कटिंग हो जाएगा, उधर दूसरे साइड, एक साइड तो वी पे वेल्डिंग हो जाएगा, दूसरे साइड पे उसको क्लीनिंग वगैरह तो नहीं हो सकता है, जब भी वी आएगा तो 1-2 mm गैप रखने का है, तो जैप रख देगा तो पीछे क्लीन करने का, तो क्लीन कर नहीं पाता है, इसलिए वो एक पट्टी दिया गया था 792 वाला, 792 जो पट्टी है 10 mm का, वो 792 10 mm ऐसे सीधा रख के पूरा प्लेट इधर से इधर तक पूरा पट्टी लगा देने का है 10 mm वाला, और उसको इधर लिखा गया है टैक वेल्ड। ओके, दूसरा दोस्तों, ये बेविल का इधर 14 mm दिया है और साइड व्यू में आपको किधर भी प्लेट में नहीं दिखाया है वो बेविल है, क्या है वो लाइन किस लिए दिया है, तो आप इसको बेविल बोल के कैसे मान सकते हैं, तो इधर आपको ड्रॉइंग पे दिया गया है, देखो ये सिंबल होता है कभी भी प्लेट का, बेविल का ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस होता है बेविल फुल वेल्ड बोल के, अगर ये राउंड नहीं देगा तो आपको बेविल नहीं है, सिर्फ वेल्डिंग का सिंबल होगा। अब इधर रेडियस दिया है बेविल के साथ, रेडियस मतलब फुल वेल्ड करने का है, फिलेट भरने का है। और ये जो दिया गया है टैक वेल्ड, वो बैक साइड का पोजिशन है, जो पट्टी आप लगा रहे हैं ये वाला, उसके लिए टैक वेल्ड करने का है। और तीसरा वाला प्लेट जो लग रहा है ये छोटा वाला 789 वाला प्लेट, ये है, ये 789 वाला प्लेट है, सिर्फ 76-79 mm का कटिंग करने का है और रेडियस आपको 20 mm रखना पड़ता है। रखने के बाद उस प्लेट को लेके आके आप इधर फिक्स करना पड़ता है, ये लेंथ आपको इधर दिया है, देखो ये लाइन आप सीधा इसे चले जाएंगे तो 1490 ए एंड से 1490 का एक लाइन ले लेंगे, वो लाइन के बाद प्लेट रखने का है, एक देख सकते हैं आप इधर तक 1490 आ जाएगा, उसके बाद प्लेट आ जाएगा, और ये जब ये बड़े वाले प्लेट लगा देंगे उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा और उसको टैग कर देंगे। ये है दोस्तों आपका जॉब का फिटिंग पोजीशन, ये आपको फिक्स हो जाएगा। मेनली वेल्डिंग का देखने का है, वेल्डर्स को बोलने का है वेल्डिंग का फिलेट कितना करने का है, वेल्डिंग का फिलेट जब आप उसको दे देंगे इतना एमएम का वेल्डिंग करने का है तो ऑटोमेटिकली वो वेल्डर वेल्डिंग कर देगा और उसके बाद क्लीनिंग के बाद इंस्पेक्शन में चला जाएगा, आपका जॉब परफेक्ट पास हो जाएगा अगर जब आप डायमेंशंस पूरा प्रॉपर फॉलो हो जाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, क्वालिटी वगैरह प्रॉपर देने के, हर एक वेल्डिंग आपको दिया है इधर 6 mm थ्री साइड्स, मगर ये जो है 14 mm का हम लोग बेविल किए थे, उधर आपका फिलेट वेल्डिंग आ जाएगा, फिलेट वेल्डिंग आ जाएगा तो अपने आप वो प्लेस पूरा कवर होकर बाहर एक 5 mm तक आ जाएगा, तो काफ़ी है। तो
यह है दोस्तों जॉब का प्रॉपर वे, हाउ टू डू फैब्रिकेशन, अगर आगे फिक्स करने का है, कैसे प्लेट मार्किंग करने का है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत स्पीड लग गया, तो क्योंकि मुझे स्लो एक्सप्लेन करेगा तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, सोच के मैं थोड़ा स्पीड स्पीड एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप सेटिस्फाई होने देखने पाए और स्लो वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं स्लो वीडियो बना लेगा। और कुछ भी डाउट्स रहेगा इस ड्राइंग्स में, प्लीज़ आप कॉमेंट में कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आपको आपके पास कुछ वो ड्राइंग्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर मुझे एक्सप्लेन करने के, तो आपको मैं ईमेल आईडी भेजेगा। अगर आप एक बार क्वेश्चन कीजिए मुझे मुझे ये डाउट है क्लियर करने के, तो मैं उसको कमेंट में आपको ईमेल आईडी भेजेगा। वो ईमेल आईडी पे अगर आप ड्राइंग भेज लेंगे तो मैं उस ड्राइंग को आपको मैं एक्सप्लेन करेगा कुछ भी डाउट रहेगा तो। और नेक्स्ट में और इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट ड्राइंग्स मेरे पास है, एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो अगले वीडियो आपको और शानदार और ज़बरदस्त वाला वीडियोस भेजेगा। पाइपिंग में भी भेजेगा, स्ट्रक्चरल भेजेगा, टैंक्स वर्क्स का भी ड्राइंग्स दिखाएगा, सब क्लियर करेगा दोस्तों। और कुछ भी डाउट्स रहेगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपका फिटर फैब्रिकेट्स फ्रेंड्स कुछ भी रहेगा तो, इंजीनियर्स रहेगा तो, उनको कुछ डाउट्स रहेगा तो ये वाला ड्राइंग्स आप उनको समझाना चाह रहेंगे तो ये वाला वीडियो लिंक आप उनको शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय।